श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बाथरूम बाथरूम के लिए कुछ वास्तु टिप्स। घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। वास्तु के अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो जो वातावरण है वो सकारात्मक बना रहता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि घर में वास्तु दोष होते हैं तो दरिद्रता और मानसिक परेशानियों के साथ वैवाहिक जीवन में भी दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए घर के सभी हिस्सों के लिए वास्तु में कई उपाय बताए गए हैं, तो आइए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। यदि आप अपने बाथरूम में एक कटोरी खड़ा यानी साबुत नमक रखेंगे तो आपके घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। कटोरी में रखा नमक महीने में एक बार बदल देना चाहिए। खड़ा नमक आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और वातावरण को सकारात्मक बनाता है। फिर घर में बाथरूम का नल या किसी अन्य स्थान का नल लगातार टपकते रहता है तो यह बात छोटी नहीं है, वास्तु में इसे गंभीर दोष माना गया है, अतः नल से पानी टपकना बंद करवाना चाहिए। यदि आपके बाथरूम में दर्पण लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि दर्पण दरवाजे के ठीक सामने ना हो। जब जब बाथरूम का दरवाजा खुलता है तब तब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है। ऐसे समय पर यदि दरवाजे के ठीक सामने दर्पण होगा तो उस दर्पण से टकराकर नकारात्मक ऊर्जा पुनः घर में आ जाएगी। दो तीन दिन में कम से कम एक बार पूरा बाथरूम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बाथरूम यदि साफ रहेगा तो इसका शुभ असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। साफ सफाई वाले घर में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच कुछ दूरी अवश्य हो। बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच दूरी बनाने के लिए थोड़ी ऊंची दहलीज बनाई जा सकती है। जब बाथरूम का दरवाजा बंद रहेगा तब दहलीज के कारण दरवाजे के नीचे से भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो बाथरूम घर के नेत्रण कोण पश्चिम दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। अगर यह संभव ना हुआ तो व्याय कोण उत्तर पश्चिम दिशा में ही बाथरूम बनवाया जा सकता है। गीजर आदि विद्युत उपकरण अग्नि से संबंधित है, अतः इन्हें बाथरूम के आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। बाथरूम में एक बड़ी खिड़की व एग्जॉस्ट फैन के लिए बाथरूम में गहरे रंग के टाइल्स न लगाएं, हमेशा हल्के रंग के टाइल्स का उपयोग करें। यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में खुलता हो तो उसे खुला रखने से बचना चाहिए। वैसे तो बेडरूम में बाथरूम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेडरूम में बाथरूम है तो उसके दरवाजे पर पर्दा भी लगाना चाहिए। बेडरूम और बाथरूम की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।